वेलकम है प्लैनेट जू की एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपना पहला जू सेटअप तो कर दिया था, बट उसमें थोड़े से इश्यू हो गए थे। मतलब उस जू को मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया था। उसमें हैबिटेट जो बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बनाए थे, उस वजह से अपना जू प्रॉफिटेबल नहीं हुआ था। तो बाद में मुझे काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े और अभी मैंने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं और अब जाके अपना जू जो है प्रॉफिटेबल हो गया है। और अभी शायद 900 से भी ज़्यादा विजिटर्स अपने जू में हैं। बाकी जो मैंने लास्ट टाइम हैबिट बनाए थे, तो जो पहला हैबिटेट तो मैंने फ्लेमिंगो का बनाया, बट अब चेंज करके यहाँ पे ज़ेब्रा का कर दिया है। और ये ज़ेब्रा यहाँ पे खुशी से दौड़ रहा है क्योंकि ये ज़ेब्रा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। और यहाँ पे एक मेल ज़ेब्रा है, एक फीमेल ज़ेब्रा है और एक बेबी ज़ेब्रा है। बाकी जू में मैंने लास्ट टाइम यहाँ बर्नी बेग्स लगाया हुआ था, तो बर्नी बेग्स को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। पहले वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा था, प्रॉफिट कम हो रहा था। एक मैंने बाहर ये काउंटर लगा दिया है, भाई ये बैलून्स के लिए यहाँ पे लगा दिया है। और बाकी मैंने थोड़े से यहाँ बेंच वगैरह लगाए हैं और ये बेंच किसी ने तोड़ भी दिया। ये यहाँ पे कुछ शरारती वगैरह आ जाते हैं और बेंच तोड़ देते हैं। मैंने बेंच लगाया था, बाकी इसको भी फिर मैकेनिक से रिपेयर करा दूंगा। और बाकी ये कुछ यहाँ पे बेंच लगाए मैं बैठने के लिए। इधर ये वॉशरूम बना दिया है क्योंकि वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और ये कुछ नीचे मैंने प्लांट्स ट्रीज वगैरह लगाए हैं और एक ही यहाँ पे मैंने लगाए हैं टेबल और चेयर यहाँ पे बैठ के लंच वगैरह करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं वो इधर से कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे खा सकते हैं या फिर यहाँ पे खा सकते हैं या फिर यहाँ पे बैठ सकते हैं। बाकी एक बार पूरा प्रॉपर व्यू दिखाता हूँ। पहले लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक ब्रिज बना के यहाँ तक जो है अपने जू को एक्सटेंड किया था, बट उससे नुकसान हुआ था। उससे जो है ज़्यादा टैक्सेस लग रहे थे क्योंकि जितना बड़ा हैबिटेट होगा उतना ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, तो अपना जू जो है उससे प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था। वो मैंने सब हटा दिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जितना हैबिटेट चाहिए उतना ही हैबिटेट बनाया है जिस भी एनिमल को रखना है। बाकी एनिमल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे ज़ूपीडिया है, तो ज़ूपीडिया में जाके किसी भी एनिमल की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे चीता है, चीता की मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो चीता के बारे में सारी की सारी ज़ूपीडिया में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इसका हैबिटेट का मिल जाएगा, मतलब उसको मिनिमम 705 मीटर स्क्वायर का हैबिटेट चाहिए। तो जितना चाहिए उतना ही बनाना है, इससे बड़ा बनाने में फ़ायदा कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है कि जो है टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगते हैं। तो अगर मैं दो रखूँगा तो दो के हिसाब से यहाँ चेक कर सकता हूँ, क्लाइमिंग रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर टेम्परेचर कितना चाहिए। तो चीता को चाहिए 8 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक, और जो उसकी फेंसिंग है वो Grade 2 की 2 मीटर से ऊपर की होनी चाहिए। बाकी ये डेटा वगैरह सब यहाँ पे देख सकते हैं, इसी से एक्चुअली पता चलता है कि किस एनिमल को कैसे देखना है। और अभी एक एनिमल एस्केप हो गया, ये कौन सा एनिमल एस्केप हुआ है अपना, ये यहाँ से कैमल एस्केप हो गया। एक मिनट, इसने फैंस तोड़ दिया। ये फैंस भी टाइम टू टाइम रिपेयर करनी पड़ती है, इस वाली फैंस को सारी को मैं रिपेयर कर दूँ। एक मिनट, तो ये तो रिपेयर हो गई और ये वाला एनिमल बाहर निकल गया। पहले इसको पकड़ लूँ, मैं अपने वैट को बुला लूँ, वो उसे पकड़ लेगा। और ये दो हैं ये मेरे पास, मैं दिखाता हूँ अभी। इनके लिए मैंने हैबिटेट भी अलग तरीके का बनाया, तो यहाँ पे वैट को बुला लिया, वो उसको आके पकड़ लेगी। ये पानी में कहाँ घुस रहा है, इसको पानी पसंद है क्या, इसको पानी का तो पता नहीं था। अगर पानी इसको पसंद होगा तो मैं इसका हैबिटेट में पानी का बना दूंगा। और ये इसका हैबिटेट जो मैंने बनाया है। कैमल को थोड़ा सैंड पसंद होता था, सैंड का बना दिया है। और ये सैंड का मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसी शेप दे दी है कि कैमल को कम्फर्टेबल रहे। बाकी इसके खाने का और पानी का यहाँ पे है। और इसके लिए थोड़े से मैंने ये पाम ट्रीज लगा दिए हैं क्योंकि पाम ट्रीज कैमल को पसंद होते हैं। और एक और कैमल भी था, एक तो ये बाहर निकल गया, एक कैमल शायद वेट लेके गई हुई है। तो वो टाइम टाइम एनिमल्स को चेक करते रहते हैं और अगर कोई दिक्कत होती है तो क्लिनिक में जाते हैं, जो क्लिनिक अपने गेट के पास है। बाकी कोई इसको पकड़ने क्यों नहीं आया, अपनी वेट कहाँ पे, एक मिनट, मैंने बुलाया तो था उसको। हाँ, ये दूसरे वाला कैमल ये आ गया। मैंने कहा था ना ये जो डॉक्टर है वो लेके जाती रहती है, तो दूसरा कैमल तो उसने यहाँ पे छोड़ दिया है। ये आ गया अपना दूसरा कैमल, तो अब ठीक हो गया, इसको यहाँ छोड़ दिया। और बाकी इसको मैंने कहा है उसको पकड़ने के लिए, अब देखो ये जाती है पकड़ने के लिए। अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहे। तो अभी पहले ये सारा इसका डेटा रिकॉर्ड कर रही, उसके बाद इसने इसको कैप्चर कर लिया, अब ये इसको ले जाके अंदर छोड़ देगी। तो जितने भी हैबिटेट उनकी ये फेंसिंग टाइम टाइम रिपेयर करनी पड़ती है। वैसे मैंने मैकेनिक को असाइन कर रखा है, बट अभी एक ही मैकेनिक है क्योंकि जू अभी स्टार्टिंग में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये वाली फेंसिंग भी ख़राब हो रही है, इनको सबको रिपेयर कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये वीक हो जाती है तो एनिमल तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो सारी की सारी फेंसिंग ये वाली तो है, ये चेन लिंक वाली है, तो ये रिपेयर कर दी बस। वैसे मैकेनिक भी टाइम टू टाइम यहाँ पे आता रहता है और रिपेयर करता रहता है, बट अभी क्या है, अभी मैकेनिक कम है और अपने हैबिटेट काफ़ी सारे हैं। तो मैं अभी सारे हैबिटेट्स का जो है एक बार दिखा देता हूँ। तो पहला हैबिटेट तो मैंने दिखा दिया, ये वाला हैबिटेट तो ज़ेब्रास का है और यहाँ पे 4 ज़ेब्रा हो गए हैं, तो एक ही अभी भी बेबी ज़ेब्रा और हुआ है। हाँ ये छोटा सा है, तो ये अभी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले ही। और बाकी इसके साथ में जो हैबिटेट है ये पीकॉक्स है और ये इंडियन पीकॉक्स है। तो इंडियन पीकॉक्स के लिए हैबिटेट में मैंने जो एक ट्री लगाया, एक ये छोटा ट्री है, एक ये बड़ा ट्री है, और बाकी इनके यहाँ पे ये खाने का रखा हुआ है, ये पानी का रखा हुआ है, और ये यहाँ पे घूम रहे हैं। और ये भी काफ़ी सारे हो गए, मैं 4 लेके आया था, अब ये कितने हैं मैंने गिने नहीं है, शायद 2-3 और हो गए हैं एक्स्ट्रा। तो ये घूम रहा है पीकॉक यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
और ये इनके लिए मैंने यहाँ पे हीटर रखा हुआ है क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा वो इंडियन हिसाब से चाहिए होता है, और अभी जो ये वाला जू है ये नॉर्थ अमेरिका में है तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक हीटर रख दिया है ताकि जो ये पीकॉक्स हैं ये प्रॉपर टेम्परेचर में रह सकें। और जो ये घास है ये इनकी काफ़ी बड़ी होगी, ये छोटी करनी पड़ेगी मुझे। और ये तो मेरे को काफ़ी सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मैं 4 ही लेके आया था, 9 हो गए हैं और एक शायद इस साइड भी है। और ये इनके लिए हैबिटेट में मैंने यहाँ पे एक ही शेड लगा दी है और ये नीचे घास डाल दी है इनके बैठने के लिए, तो ये यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। और इसके साथ में जो हैबिटेट है वो है घड़ियाल का, तो ये दो घड़ियाल है इनके हैबिटेट में मैंने यहाँ पे पानी का बनाया और ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है पानी का, क्योंकि इनको काफ़ी गहरा पानी चाहिए होता है। मैं दिखाता हूँ पानी के अंदर जाके एक बार, ये पानी ने पूरा गंदा कर दिया है, पानी मुझे साफ कराना पड़ेगा। और इनके लिए भी एक हीटर लगा रखा है क्योंकि इनको कुछ टेम्परेचर जो चाहिए होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जितना टेम्परेचर यहाँ होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मैंने एक हीटर यहाँ पर लगा दिया है। और इधर की साइड जो है यहाँ पर इनका खाना रखा हुआ है, और वैसे इन्होंने काफ़ी गंदगी मचा दी है तो एक बार इसको साफ़ कराना पड़ेगा, मैं कीपर को बुला लूँगा अभी। और ये यहाँ पे वाटर टेम्परेचर रेगुलेटर है, मतलब ये जो पानी का टेम्परेचर है ये इससे जो है मेंटेन रहता है, इसके लिए मैंने सेटअप लगा रखा है इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बाकी ये गंदा काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इसके लिए मुझे वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट भी लगाना पड़ेगा जिससे पानी साफ होता रहे, तो उसको भी मेरे को यहाँ साथ में लगाना पड़ेगा, इसके साथ में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो फैसिलिटीज़ में यहाँ पे यूटिलिटीज़ में ये रहा वाटर ट्रीटमेंट का, और ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ये $2,000 का है, और वैसे अभी सिर्फ मेरे पास 6,000 के आसपास डॉलर हैं, तो नहीं इसको ही लगाते, उसको थोड़ी देर बाद लगाएंगे क्योंकि जू अभी जो है बहुत कम प्रॉफिट दे रहा है क्योंकि भी नया है और अभी जो विजिटर्स हैं वो भी 1,000 के पास पहुंचने वाले हैं, वैसे अब पहुंच गए मेरे कहते कहते, ये नीचे यहाँ पे 1,000 शो कर रहे हैं। अब देखते हैं एटलीस्ट $10,000 से ऊपर होगा तो तब मैं कुछ नया लगाऊँ, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें नई लगा दी हैं। तो पहले मैं दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, तो उसमें से एक तो है ये यहाँ पे, और ये ब्लैक एंड वाइट लेमार हैं और ये घूम रहे हैं यहाँ पे, और ये भी काफ़ी सारे हो गए हैं, वैसे मैं 4 तो लेके ही आया था, अब ये 5-6 हो गए हैं। और बाकी इनके हैबिटेट में बनाने के लिए मुझे एक चीज़ करनी पड़ी कि इनके हैबिटेट में मुझे चारों तरफ जो है पानी का करना पड़ा और बीच में ये आइलैंड टाइप का सा बनाना पड़ा, क्योंकि ये यहाँ से जंप मार के बाहर निकल जाते हैं तो इनको अंदर सेफ रखने के लिए ताकि ये बाहर ना निकल पाए, तो यहाँ पे 3 मीटर वाइड मुझे पानी का इंतजाम करना पड़ा, और ये 1 मीटर डीप है और 3 मीटर वाइड है। अब इससे क्या है ये अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। बाकी इनके लिए मैं काफ़ी सारे एनरिचमेंट के आइटम यहाँ पे लगा दिए हैं ताकि ये आराम से यहाँ पे रह सके। ये यहाँ पे ऊपर चढ़ते, ये लड़ क्यों रहे हैं, अबे ये लड़ रहे हैं आपस में, ये वैसे ज़्यादा हो गए हैं इसमें ना, अबे रुको लड़ो मत रुको, एक को हटाता हूँ मैं यहाँ से, रुक जा, इनकी लड़ाई ज़्यादा हो गई यार, एक को भेजता हूँ मैं ट्रेड सेंटर में, तो इसको बंद करो क्योंकि ज़्यादा ही आपस में लड़ेंगे तो दूसरे को नुकसान पहुँचा लेंगे फालतू में। और वैसे 2 यहाँ पे हैं, एक कहाँ पे, एक ये रहा, एक यहाँ पे घूम रहा है और भी होगा इधर उधर कहीं घूम रहा होगा। अबे ये क्यों लड़ने के लिए भाग रहा है, ये अभी भी लड़ रहा है, रुक जाओ इसको भी भेजता हूँ ट्रेड सेंटर में, तो ये भी ट्रेड सेंटर में भेज दिया। ये ज़्यादा हो गया मेरे को लग रहा है ना, क्योंकि इधर भी ये सो रहा है, एक तो ये सो रहा और एक इधर है, नहीं ये तो हीटर है इनके, तो इनके लिए मैंने यहाँ पे शेड लगाया और हीटर लगाए हैं ताकि इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। बाकी इनका जो हैबिटेट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ा, क्योंकि शुरू में मैंने ऐसा नहीं बनाया था तो ये यहाँ से निकल के भाग गए थे चढ़ के ऊपर से, ये थोड़ा बड़ा बनाया है, तो यहाँ पे अपने जितना भी स्टाफ हो यहाँ पे आ सकता है, साफ सफाई कर सकता है, इनको खाना दे सकता है, इनको चेक कर सकता है टाइम टाइम। और वैसे यहाँ पे सेफ्टी है कि इधर ये वॉल्स जो है पानी के अंदर है तो यहाँ से ये नहीं भागेंगे। और बाकी इसके साथ में जो हैबिटेट है ये वॉरथॉक्स का है, तो ये वॉरथॉक अभी यहाँ पे एक ही है, और वॉरथॉक के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सा एनवायरनमेंट चाहिए, इसके लिए तो बस फेंसिंग करनी है, खाना रखना है, और इसका यहाँ पे मैंने शेल्टर बना दिया। कोई से हैबिटेट की वॉल डैमेज हुई है, कौन से वाले की हुई है कौन देख लेते हैं पहले, तो इस वाले हैबिटेट की वॉल शायद थोड़ी डैमेज हो गई है, इस वाले हैबिटेट को मैं दिखाई देता हूँ। ये वाला हैबिटेट है हिमालयन बैर का, और ये वाला बैर जो है हिमालयन बैर है, तो ये कैसे खड़ा हो गया सही तरीके से, ये काफ़ी ज़्यादा सही है बट ये काफ़ी ख़तरनाक भी है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक केव बना दिया यहाँ पे, तो छोटी सी केव है यहाँ पे, इसको केव चाहिए, ये केव में रहता है, इसका खाने का यहाँ पे रखा हुआ है, और जो इसकी वॉल है ये पूरी की पूरी मैं यहाँ से रेड ब्रिक की लेके गया हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी सी वॉल ज़्यादा हैवी चाहिए, मतलब ग्रेड 5 की वॉल चाहिए, नहीं तो ये तोड़ देता है। और बाकी ये वाली वॉल से दिखता तो है नहीं, तो मुझे ग्लास भी लगाए थे तो मैंने ग्लास यहाँ पे लगा दिए सारे ताकि विजिटर्स देख सके, बट ये ग्लास को तोड़ देता है, तो ये ग्लास को ना तोड़े इसलिए मैंने यहाँ पे सारे में पानी भर दिया है, तो जहाँ जहाँ ग्लास है वहाँ मैंने पानी, ये पूरा का पानी का इंतजाम कर दिया है। तो अब ये पानी में क्या है, पानी ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, अब ये पानी में ज़्यादा भी है तो थोड़ा सा ट्राई करता है, मतलब कोने कोने तक जाएगा, उसके बाद जो है रुक जाएगा या अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा डीप कर रखा है, तो ये जो ग्लास है ये बचे रहते हैं, ग्लास नहीं टूटते, नहीं तो ये ग्लास को पक्का तोड़ देगा, अगर ग्लास के पास जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। बाकी इसके जितने भी ये हैबिटेट के बैरियर हैं ये रिपेयर करने, एक बार सारों को मैं रिपेयर कर देता हूँ, तो ये ब्रिक वॉल वाले जो है ये तो सारे अलग से रिपेयर करने पड़ेंगे।
तो ये ब्रिक वॉल तो यहाँ तक है, तो ब्रिक वॉल यहाँ लगा दी और उसके बाद ग्लास वाला अलग है, ग्लास वाला यहाँ से, और अभी बारिश भी शुरू हो गई है। ये सारा ग्लास वॉल वाला है, तो ये ग्लास वॉल से रिपेयर कर दिया। बाकी बारिश हो रही है, बारिश में भी अपने जितने विजिटर्स हैं वो रुके नहीं है, सब आए जा रहे हैं, सबने छाता ओपन कर लिया है, तो सब छाता लेके घूम रहे हैं। तो ठीक है, ओ ये शायद ख़राब हो गया, ये वेंडिंग मशीन मैंने बाहर खुले में लगा दी, तो इसमें पानी जब जा रहा है तो ये ख़राब हो रहा है, इसमें स्पार्क हो रहा है अंदर। तो ये वेंडिंग मशीन है गल्पी कोला की, और इसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर एक शेड बना देता हूँ, क्योंकि तभी बच पाएगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी बार बार। तो इसके ऊपर मैंने छोटी सी शेड लगा दी है, वैसे तो शेड के अंदर आगे है ये, तो इसको एक बार रिपेयर करा लेते हैं। यहाँ पे मैकेनिक को बुला लेते हैं, मैकेनिक इसको रिपेयर कर देगा, मैकेनिक है अपने पास, ठीक है मैकेनिक इसको रिपेयर करेगा, और बाकी मैं इसका थोड़ा पानी का इंतजाम करती है। और वैसे ये वाला शेड मैंने बनाया है, इसके ऊपर मैं कुछ यहाँ पे डिस्प्ले के लिए भी लगा सकता हूँ, डिस्प्ले के लिए भी लगा देंगे, पहले बारिश तो रुके। और ये बारिश में भी सारे छाता लगा के लाइन में खड़े हुए हैं, सही है, सब लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे, तो अपनी सेल प्रॉपर चल रही है। और यहाँ पे कोई क्यों नहीं है, यहाँ पे इस वाले काउंटर पे कोई नहीं है, छुट्टी पे चला गया है शायद कोई यहाँ से ना, तो मेरे को एक वेंडर और हायर करना पड़ेगा, क्योंकि चार वेंडर हैं जो यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स पे या फिर इन वाली शॉप्स पे रहते हैं। तो अभी एक और वेंडर हायर कर लेते हैं, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। चलो जाओ अंदर जाओ, फटाफट ओपन करो। चलो इसने ओपन कर दिया, इधर से भी लाइन शुरू, और बर्फ़ पड़नी शुरू हो गया। वाह, तो बारिश हो रही थी, अभी बर्फ़ गिरने लग गई। और बर्फ़ में अपने एनिमल्स के टेम्परेचर का ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है। ये यहाँ पे काफ़ी सारे आ गए हैं नोटिफिकेशन, आइडल टेम्परेचर में नहीं है। और ये एक सेकेंड क्या हुआ है यहाँ पे, एक तो इस वाले हैबिटेट की वॉल थोड़ी सी जो है डैमेज हो गई है, इसको सारे को रिपेयर कर देता हूँ। इसमें तो ग्लास ही है, तो इधर फटाफट से रिपेयर हो जाता है, बस रिप्लेस करना होता है। ग्लास हो गया, और तो ये काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आने लग गए हैं, ये यहाँ पे जो है ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है मामला, मुझे लग रहा है ज़्यादा भी नहीं हुआ तो ठीक है, ये इधर ध्यान रख नहीं रहेगा। यहाँ तो टेम्परेचर मेंटेन है, ये तो दिख रहा है यहाँ पे, हीटर ये चल रहा है ये वाला, तो ये हीटर तो ऑन है, ये वाला हीटर भी ऑन हो गया है, पीकॉक्स जो है सही टेम्परेचर में है, बट ये दोनों अपनी वेट जो है यहाँ पीकॉक्स को लेने आए हैं, मतलब शायद आइडल टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा पीकॉक्स के लिए। ये सब तो बैठे हैं यहाँ पे, हाँ ये तो ठीक है सब, बाकी ये घड़ियाल वगैरह तो ठीक है, तो झेल लेंगे। और लेमार को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेमार तो यहाँ पे आराम से घूम रहे हैं, कहाँ हैं ये, इधर अंदर घुस गए होंगे क्योंकि ठंड हो रही है। हाँ, एक तो ये रहा, और बाकी कहाँ पे है, ये रहा एक यहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे साइड में। और ये वाला हैबिटेट जो है तो मैंने दिखाया नहीं, ये वाला हैबिटेट मैंने फ्लैमिंगोस को दे दिया है, तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में देखा होगा तो एक बहुत बड़ा हैबिटेट था जो मैंने फ्लैमिंगोस के लिए बनाया था, बट इतने बड़े हैबिटेट की जरूरत नहीं थी फ्लैमिंगोस को, मैंने इनके लिए एक छोटा हैबिटेट बना दिया। और इनको हैबिटेट के अंदर यहाँ पे वाटर बॉडी भी चाहिए थी, मतलब इनको थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह के लिए भी चाहिए था, और ये यहाँ पे मैंने स्टोन वगैरह लगा दिए इनके लिए, और यहाँ पे पानी का लगा दिया है, और ये अंदर यहाँ बैठे हैं, और ये भी दो थे, दो से ये चार हो चुके हैं, और ये एक टांग पे खड़े हुए हैं। अच्छा, ये एक टांग पे रेस्ट करते हैं, तो जब ये थक जाते हैं तब दूसरी वाली टांग नीचे कर लेंगे और फिर इससे रेस्ट करेंगे। तो ये तो फ्लैमिंगोस की स्पेशलिटी होती है। और बाकी एनिमल या बर्ड के बारे में कुछ भी जानना हो तो ज़ूपीडिया तो है ही, ज़ूपीडिया पे जाके कुछ भी जान सकते हैं, उनकी हैबिटेट की रिक्वायरमेंट, डेटा, रिसर्च कुछ किया है उनके ऊपर, मतलब कुछ भी उनके ऊपर कुछ भी रिसर्च करनी हो वो सारी इन्फॉर्मेशन ज़ूपीडिया में मिल जाती है। चलो दिन तो निकल आया और धूप भी आ गई, अभी स्नो भी हट जाएगी, स्नो में हाँ हट गई स्नो भी। उसके अलावा एक ये हैबिटेट है, ये वाला ऑस्ट्रिच का है, इसमें सिंगल ऑस्ट्रिच है, अभी इसमें एक ऑस्ट्रिच मैं सोच रहा हूँ और लाके रख दूंगा, तो ये ऑस्ट्रिच यहाँ पे घूम रहा है और अभी ये अंदर भाग गया है यहाँ पे। इसका तो छोटा सा हैबिटेट है, इसके लिए जितना हैबिटेट चाहिए था उतना मैंने बनाया, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाया। और ये इधर धुआं उठ गया, अब ट्रांसफॉर्मर क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मर भी ख़राब हो गया है ये तो। यहाँ पे मकैनिक को बुलाता हूँ, भाई मकैनिक जल्दी आया ठीक कर इसको, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर पावर सप्लाई करता है इधर इन वाली कीपर हर्ट्स को। बाकी अब दिखाता हूँ मैं कैमल, ये रहे अपने दोनों कैमल। अबे हक क्यों दिया, अबे दिखाने आया था, अभी अभी हक दिया, थोड़ी देर बाद हक लेता। और ये कैमल्स इजीली यहाँ पे ऊपर चढ़ जाते हैं, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, तो ये चढ़ के ऊपर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे खाने पानी का इंतजाम इधर भी कर रखा है और इधर भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ तक घूमते घूमते आ जाते हैं ऊपर। ये आ गया, ये यहाँ पे अभी आने वाला है, तो आगे से कैसे चढ़ रहा है, ये चढ़ जाएगा इजीली। तो इनका वीडियो मैंने इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि ये आराम से यहाँ पे ऊंचे पे जा सके, कभी नीचे पे जा सके, क्योंकि कैमल्स नॉर्मली ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहते हैं रेगिस्तान वाले में। तो ये ऊपर पहुँच के पानी पी रहा है और एक ही आराम कर रहा है,
बाकी यहाँ पे ये विजिटर्स भी खुश लग रहे हैं। बाकी ये लगे हुए डोनेशन बॉक्स, और इसमें अभी किसी ने डाला थोड़ा बहुत सिक्के वगैरह, तो ये डोनेशन बॉक्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इन डोनेशन बॉक्स से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो जितने भी हैबिटेट है मैंने सबके बाहर डोनेशन बॉक्स लगाया, एक डोनेशन बॉक्स ये रहा, जैसे ये यहाँ पे अभी डालेंगे तो जिसको भी पसंद आता है वो डोनेशन बॉक्स में यहाँ पे डोनेशन डाल देता है, तो इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। तो हर एनिमल की वहाँ पे डोनेशन बॉक्स है, ये लैमार के यहाँ पे भी है, और ये वॉर्थॉक्स के यहाँ पे डोनेशन बॉक्स नहीं है, एक डोनेशन बॉक्स वॉर्थॉक्स के यहाँ पे भी लगा देते हैं, एक डोनेशन बॉक्स इधर की साइड लोग बाग ज़्यादा खड़े हैं तो यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे डाल देंगे लोग बाग। चलो तो अभी ये ऊपर से व्यू अपने जू का, यहाँ पे कैमल है, यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिच है, यहाँ पे वॉर्थॉग है, यहाँ पे लैमार है, यहाँ फ्लेमिंगो है, इधर घड़ियाल है, इधर अपने इंडियन पीकॉक है, इधर ज़ेब्रा है, और एक ऊपर अलग से यहाँ पे हिमालयन बैर है। तो अब ये प्रॉपर दिन निकल आया है और अब ये दिख रहा है हिमालयन बैर, और अभी सिर्फ एक ही हिमालयन बैर है, बाद में अगर एक और लेके आऊँगा तो मैं इस वाली केव को थोड़ा और बड़ा बना दूंगा, अभी ये केव छोटी है, इसको मैं और डीप अंदर तक लेके जाऊँगा, तो जब ज़्यादा बैर होएंगे तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हो जाएगी, और बाकी स्पेस काफ़ी सारा है। अभी अभी तो जू का सिर्फ इतना सा एरिया यूज़ किया है और अभी तो पूरा ये बड़ा स्पेस पड़ा हुआ है, तो वहाँ पीछे तक मैं सारे में जू बना सकता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे और ये इधर की साइड। बट अभी ये है कि जितना एरिया रिक्वायर्ड होगा उतना ही जू बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाने पे ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, ज़्यादा मुझे एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो ऐसे तो जू प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं, और जैसे एक बार जू लॉस में गया फिर तो वो रिकवर नहीं होने वाला, फिर तो अपना बिजनेस ठप हो जाएगा, इसलिए बड़ा केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी $11,000 हो गया है तो अब जू सही चल रहा है, बाकी मुझे टाइम टाइम काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे मुझे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी रन करनी पड़ती हैं, जैसे मैंने अभी मार्केटिंग के लिए पोस्टर कैंपेन चला रखा है जिससे कि लोगों को पता चले यहाँ पे जू है, उसके अलावा मैंने ये वायरल वीडियो वाला कैंपेन भी चलाया था, गर्ल पी वीडियो वाला भी चलाया था, इधर फैमिली आर्ट टीवी कमर्शियल्स आए थे, मतलब टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी दी थी, तो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ था। बाकी अभी मैंने कैंपेन सिर्फ एक ही चला रखा है, एक मैं सोच रहा हूँ ये न्यूज़पेपर में कैंपेन और चला दूँ, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं, बाकी इसका खर्चा $1,000 का आएगा, इससे भी फ़ायदा होता है, लोगों को पता चलता है तो विजिटर्स बढ़ते हैं। बाकी ये दो ट्रीज भी मैंने लगाए हैं, एक ट्री ये बड़े वाला लगा है, एक ये लगाया है, और छोटी मोटी डेकोरेशन का तो काफ़ी सारा काम किया, और अभी तो काफ़ी सारा काम करना है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये वाला रास्ता है जो ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से जो रास्ता ये इधर गया है, तो यहाँ पे भी एक हैबिटेट अच्छा खासा बन सकता है, तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ एलिफेंट के लिए हैबिटेट बना दूँ, बट अभी मुझे देखना पड़ेगा कि एलिफेंट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है या नहीं है, मतलब मार्केट में एलिफेंट अवेलेबल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स अवेलेबल है, अभी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये एलिफेंट मिल तो रहा है बट एलिफेंट जो है कंजर्वेशन क्रेडिट से मिल रहा है, कैश में नहीं मिल रहा, और कंजर्वेशन क्रेडिट्स में ये 1084 कंजर्वेशन क्रेडिट्स का है बट मेरे पास 349 ही है, और कंजर्वेशन क्रेडिट्स मिलते हैं जू की रेपुटेशन बढ़ने के बाद, और जब अपने गैस को सही एजुकेशन मिल रही हो जू के लिए, या फिर हम कुछ एनिमल्स को ला के उनको हेल्दी करके वाइल्ड में छोड़ रहे हो जो एक्स्ट्रा हो, तो ये क्रेडिट रेटिंग अपनी बढ़ती चली जाती है। बाकी अभी जो है गैस हैप्पीनेस रेटिंग भी 4.1 के आसपास है, मार्केटिंग मैंने अभी फिर से स्टार्ट कर दी, मार्केटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। गेस्ट एजुकेशन रेटिंग के लिए मुझे यहाँ पे एजुकेटर्स हायर कर रखे हैं, मैंने 2 या 3 कर रखे हैं जो गैस को इन्फॉर्मेशन देते हैं इस जू के बारे में। कंजर्वेशन रेटिंग भी बढ़ी रही है धीरे धीरे, एनिमल रेटिंग 2.5 के आसपास है, ये तो ठीक है। बाकी अभी देख लेते हैं, बंगाल टाइगर लिस्टिंग एक्सपायर्ड हो गई, ये यहाँ पे 400 का मिल रहा था कंजर्वेशन क्रेडिट में, बट 400 तो 353 थे, तो बंगाल टाइगर भी लेना है, बंगाल टाइगर के लिए ऊपर एक हैबिटेट बनाऊंगा। अभी फिलहाल देख लेते हैं, फिलहाल एक आध कोई एनिमल मिल रहा हो जो सही रेट में है उसको ले लेते हैं। ये कैफ ब्लैक बैर है, ब्लैक बैर नहीं चाहिए अभी। पांडा मैंने पहले लिया था बट पांडा मैंने सेल कर दिया था, पांडा जो है मैंने 10 मीटर ऊंची फेंस लगाई उस पर भी ऊपर चढ़ के निकल गया था, तो पांडा के लिए हैबिटेट अलग से बनाना पड़ेगा ताकि वो क्लाइम ना कर पाए फेंसेस के ऊपर, तो उसको बाद में लेके आऊंगा। और इंडियन एलिफेंट मिल रहा है 354 में, तो ये तो ले लेता हूँ, इंडियन एलिफेंट तो मिल गया, तो अभी जस्ट एकदम से मिल गया, और उसके कंजर्वेशन क्रेडिट भी जस्ट इतने पहुंचे ही थे मेरे, मैंने फटाफट से ले लिया। अब इसके लिए हैबिटेट तैयार कर लेते हैं, बट इंडियन एलिफेंट के लिए देखना पड़ेगा हैबिटेट कैसा चाहिए, तो ज़ूपीडिया में यहाँ पे इंडियन एलिफेंट पे थोड़ी सी देखते हैं इसको हैबिटेट कैसा चाहिए। इंडियन एलिफेंट के लिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और एशियन एनवायरनमेंट इसको चाहिए, और यहाँ पे इसका हैबिटेट में चाहिए इसको 882 मीटर स्क्वायर, तो इसको मिनिमम चाहिए क्योंकि अभी एक ही है, और अगर दो रखेंगे तो 1086 चाहिए, और इसको क्लाइमेट रिक्वायरमेंट नहीं है। वाटर इसको चाहिए, वाटर इसको 101 मीटर स्क्वायर वाटर चाहिए, वाटर तो है इस वाले हैबिटेट में, और टेम्परेचर चाहिए 8 से 40 डिग्री सेल्सियस, तो जो हैबिटेट बैरियर है वो Grade 4 के चाहिए, और 2 मीटर मिनिमम जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। तो अभी इसका तैयार कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे बाकी इसको एनेजमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। वाटर का इसमें है तो ये तो वाटर का एरिया इसके अंदर आ ही जाएगा, तो ये तो काफ़ी होगा, और बाकी इसमें यहाँ से बैरियर मैं लगाने शुरू करता हूँ। तो Grade 4 का चाहिए, Grade 4 का ये स्टील मैश है, ये स्टील मैश Grade 4 में है, इसको लगा लेते हैं, और स्टील मैश मैं यहाँ से ऊपर से लगाना शुरू करता हूँ।
तो ये स्टील मैच सारे मैंने ऊपर से लगा के लिया है और यहाँ पे इधर सारा का सारा एरिया एलिफेंट को ही दे देते हैं। तो ये जो एलिफेंट के लिए हैबिटेट है उसमें बैरियर का काम तो पूरा हो चुका है और ये स्टील वाला मैंने यहाँ बैरियर लगाया है क्योंकि यहाँ पे पानी नीचे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे रेड ब्रिक का या फिर ग्लास का लगाता तो ये पानी रुक जाता। अब स्टील में कोई इशू नहीं है, स्टील से इजीली पानी निकल जाता है और ये वैसे कंप्लीट है। उसमें बस एक गेट लगाना है जो गेट इसको एक्सेस करने के लिए चाहिए और गेट वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इस साइड यहाँ पे ठीक रहेगा। तो यहाँ पे एक बैरियर का गेट लगा देते हैं ताकि अपने कीपर वगैरह अंदर जा सके और एनिमल को अंदर पहुँचा सके। तो इस वाले गेट को यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाला गेट पाथ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस रास्ते से कनेक्ट हो गया और बस अब क्या करना है, अब इसके खाने का और पानी का इंतजाम करना है और बाकी इसके लिए अंदर एक शेल्टर बनाना है। शेल्टर का तो मैं सोच रहा हूँ कि शेल्टर मैं इसके लिए ना अलग से बनाऊंगा, कुछ केव टाइप की सी। पहले मैं एक बार इसके हैबिटेट में यहाँ पे खाने का और पानी की इसकी ट्रे रख दूँ। तो खाने के लिए तो उसकी बड़ी ट्रे रख देते हैं यहाँ पे ये वाली, और पानी के लिए ये बाउल रख देते हैं बड़े वाला। तो इतना चल जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत छोटा पड़ेगा तो चेंज कर देंगे। पानी तो वैसे एलिफेंट यहाँ से भी पी सकता है, ये भी क्लीन वाटर ही है यहाँ पे जो है। तो इसको एक बार एलिफेंट को यहाँ पे बुला लेते हैं, देख लेते हैं एलिफेंट को, उसके बाद इसके लिए शेल्टर भी बना देंगे। तो ये अपना एलिफेंट, इसको जू में भेजते हैं यहाँ पे। तो इसकी डिलीवरी शेड्यूल कर दी है, अपने कीपर इसको ले आएंगे। बाकी ये तीन लेमार हैं, इनका देखते हैं क्या करना है अभी, क्योंकि ये ओवरक्राउडेड हो गया था वहाँ पे लेमार वाले में, ये लड़ रहे थे। मैंने इसको इनके यहाँ पे भेज दिया एनिमल ट्रेडिंग सेंटर में, और एनिमल ट्रेडिंग सेंटर अपने गेट के पास है जू के, तो मतलब अंदर ही अपनी बाउंड्री पे। तो मैं दिखा देता हूँ अभी वहाँ से अपना कीपर लेके भी आ रहा होगा एलिफेंट को। तो यहाँ पे ये रहा एनिमल ट्रेड सेंटर और ये यहाँ से बॉक्स ये रहा। तो ये यहाँ पे अपना एलिफेंट आ रहा है इस वाले बॉक्स में, ये कीपर लेके आ रहा है और बाकी जो लेमार हैं वो यहाँ पे अंदर हैं, उनको देखेंगे, उनके लिए हैबिटेट में थोड़े चेंजेस करेंगे, फिर उनको वापस भेज देंगे हैबिटेट में। तो ये एलिफेंट आ चुका है और सीधा आते ही पानी में, इसको पानी काफ़ी पसंद होता है और सीधा पानी में गया है यहाँ पे। पर छोटा ही है अभी, बड़ा नहीं है, मतलब एलिफेंट थोड़ा अभी और बड़ा होगा। तो ये पानी में यहाँ पे गया है खेलने के लिए, इसको पानी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये पानी में खेल रहा है, इसको पानी में खेलने देते हैं और बाकी उसके बाद देखते हैं कि इसका शेल्टर कैसे बनाना है। और इधर क्या चल रहा है, इधर भी ज़रा देख लें, इधर भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, विजिटर्स भी सही है यहाँ पे, आज धूप भी निकली हुई है और विजिटर्स आराम से मज़े से घूम रहे हैं और ये अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं इनको भी सही से एंजॉय कर रहे हैं। तो कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट एनिमल कौन सा लेके आएँ और उसको कहाँ पे रखें, क्योंकि अपने जू में भी जगह काफ़ी सारी है, ये सारा का सारा एरिया यहाँ पे है और ऊपर काफ़ी सारी ये पानी की भी है, मतलब लेक है यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं, इधर भी है, इधर भी है। तो अभी तो काफ़ी सारा एरिया है, बट कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा एनिमल नेक्स्ट लेके आना, सबसे पहले उसी एनिमल को पहले लेके आएंगे। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।